एक अन्य प्रश्न में मित्र पूछते हैं, अनंत में दुख को लेकर कई प्रश्न हुए हैं कि दुख को सुख में कैसे बदलें और जीवन में दुख क्यों आते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि सुख को दुख में कैसे बदलें, अपने जीवन में दुख लाने के लिए क्या करें। जिसका जीवन एक बेड ऑफ रोजेज की तरह रहा हो, उसने कभी जीवन में कुछ महत्वपूर्ण नहीं किया होगा। तो क्या एक मनुष्य को दुख की इच्छा नहीं करनी चाहिए ताकि वो कुछ महत्वपूर्ण कर सके। हम हमेशा सुख की इच्छा करते हैं और दुख की नहीं, जबकि दुख हमें बहुत कुछ सिखाता है जीवन में और निखारता भी है। बात महत्वपूर्ण है, लेकिन शायद लोग सुख की इच्छा इसलिए करते हैं और दुख की इच्छा इसलिए नहीं करते क्योंकि सुख में ही शामिल है दुख, वो फुल पैकेज है। तो दूसरे की इच्छा करने की ज़रूरत नहीं है, सुख की इच्छा काफ़ी है, उसके पीछे दुख खड़ा हुआ है। और जब सुख थकता है तो दुख अपना काम शुरू कर देता है, फिर दुख थकता है तो सुख अपना काम करना शुरू कर देता है। वो ट्विन ब्रदर्स हैं, सुख और दुख जुड़वा भाई हैं, वो अलग नहीं रहते हैं। तुम्हारी निगाह गई कि सुख चाहिए और यही कंपार्टमेंटलाइज विज़न है, सीमित दृष्टि है कि मुझको लगा कि एक को हमने चुन लिया, लेकिन हमने तो दूसरे को भी चुन ही लिया है, वो आने ही वाला है। वस्तुतः तो सुख की इच्छा ही खतरनाक है। जो व्यक्ति सचमुच में सुखी है वो सुख की इच्छा नहीं करता, वो बस सुखी है। मुझे याद पड़ता है जय कृष्णमूर्ति जी से किसी ने एक बार बड़ा सिंपल सा प्रश्न पूछा, बड़ा सरल सा प्रश्न, आर यू हैप्पी। तो वो थोड़ी देर रुकते हैं और कहते हैं आई डोंट नो। अब बड़ी अजीब सी बात है, कोई पूछ रहा है कि आप प्रसन्न हैं और आप कह रहे मैं नहीं जानता। आम तौर से तो व्यक्ति जानते हैं कि मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न नहीं हूँ, मैं आज उदास हूँ, मैं दुखी हूँ। लेकिन इस बात में, इस उत्तर में बड़ी गहराई है कि जब तुम सचमुच में प्रसन्न होते हो तो तुम नहीं जानते कि तुम प्रसन्न हो या नहीं। वो तुम्हारी एक आंतरिक अवस्था के रूप में तुम्हारे अंदर गति कर रहा है। जैसे तुम्हारा शरीर अगर पूरी तरह स्वस्थ हो तो तुम्हें शरीर का एहसास नहीं होता, तुम अशरीरी हो जाते हो, विदेह हो जाते हो, बियॉन्ड बॉडी चले जाते हो। तुम्हारे शरीर में जैसे ही कहीं कोई परेशानी प्रारंभ होती है तुम्हें शरीर का पता चलने लगता है। तुम्हारे पैर में दर्द हो तुम्हें पैर का पता चलता है, हाथ में दर्द हो हाथ का पता चलता है। अगर किसी व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का पता चल रहा है कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ, तो तुम ऑब्जर्व कर सकते हो कि वो व्यक्ति जल्दी ही बीमार होने वाला है। बहुत सारे लोगों को तुम अपने आसपास ऑब्जर्व कर सकते हो जो हेल्थ फूड्स, फिटनेस की बहुत सारी चीज़ों में बहुत गंभीरता से यात्रा कर रहे होते हैं और अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित होते हैं। वो जल्दी ही या देर सवेर बहुत ज़्यादा और गंभीर रूप से बीमार पड़ते हैं, क्योंकि उनका जो स्वास्थ्य का चिंतन है वो उनके लिए विपरीत का निर्माण कर रहा है। तुमको पता ही नहीं चलेगा अगर तुम स्वस्थ हो, और अगर तुम्हें पता चलने लगा है कि तुम स्वस्थ हो तो बीमारी चल चुकी है, तुम्हें एहसास होने लगा है, तुम्हारी एनर्जी फील्ड में वो एंटर कर चुकी है, वो प्रवेश कर गई है, तभी तुमको पता चलने लगा है कि हाँ मैं बहुत स्वस्थ हूँ।
जीवन में जो स्थिति सचमुच में होती है उसका तुम्हें एहसास नहीं होता। जैसे जीवन इतने रहस्यों से भरा हुआ है तुमको उसका एहसास नहीं होता। जीवन इतना बेशकीमती है तुमको उसका एहसास नहीं होता। दुखी होने की अलग से इच्छा करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वैसे ही तुम्हारे पास दुखों का अंबार लगा हुआ है, वैसे ही वो चले आ रहे हैं तुम्हें ढूंढते हुए, और बस तुम्हें उनका उपयोग करना है। इसीलिए तपस्या से जो लोग बहुत मोहग्रस्त होते हैं और तपस्या की ओर भागते हैं, उनके लिए मेरा यही कहना रहता है कि कहीं और तपस्या के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में पहले से ही तुम्हें तपस्या की बहुत सारी परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं, तुम बस उनके अंदर अपनी जागरूकता के प्रयास कर सकते हो, अपने को जगाने के प्रयास कर सकते हो। तुम्हें अलग से उपवास करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अलग से कुछ कठिन व्रत लेने की ज़रूरत नहीं है। जीवन ने तुम्हारे लिए वैसे ही बहुत परिस्थितियाँ बना रखी हैं, तुम उनका ही होशपूर्वक उपयोग करो। मैं समझता हूँ कि यह प्रश्न बहुत सोच कर पूछा है कि व्यक्ति दुख की आकांक्षा नहीं करता तो क्या उसे दुख की आकांक्षा करनी चाहिए। एक बड़ा विचित्र सा प्रश्न है। इस पर सोचें, पीड़ा का या दुख का चुनाव नहीं है, अस्तित्व ने तुम्हारे सामने वो स्थितियां रख दी हैं और चुनाव उसमें जागरूकता का है, चुनाव उसमें होश का है। परिस्थितियां तो जैसी हैं वैसी ही हैं, कभी वो सुख की तरह आएंगी कभी दुख की तरह आएंगी। सुख में लोग जागने की कोशिश नहीं करते हैं, ये उसका एक इल्यूजन है, उसमें ज़्यादातर लोग सो जाते हैं, लगता है सब अच्छा अच्छा है, अब क्या करना। जैसे लोग बहुत किसी दिन संतुष्ट हों और प्रसन्न हों तो अपने घर में जाकर भोजन करके सो जाते हैं, ज़्यादातर ऐसा होता है। दुखी हों परेशान हों तो मित्रों को भी बहुत परेशान करते हैं, उनके साथ बैठ के बातें करेंगे, फ़ोन करेंगे, अपनी बातें शेयर करेंगे और उनको लगता है कि सब बड़ा भाईचारा है। प्रसन्नता में अक्सर लोग इसे भूल जाते हैं, क्योंकि वो एक डिल्यूजन का काम करता है। इसीलिए अक्सर तुम्हें लगता है कि वो स्थिति शायद जगाती नहीं है, लेकिन अगर हम चुनाव जागने का करें, अगर हम चुनाव होश का करें, तो हम वैसे ही उसमें भी जाग सकते हैं जैसे दुख की स्थिति में हम जागेंगे। दुख की चोट ज़्यादा है, उसका जो दबाव है, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो वो लगता है कि हमको जगा रहे हैं।